तो गाइज मैं यहाँ महिंद्रा जैसे आ चुका हूँ सर्विस सेंटर ऑटो वर्ल्ड, तो मेरे पीछे ही दो एक्सयूवी लग चुकी है और मेरे आगे बस एक एक्सयूवी थी। अंदर लो सर, लेते हैं सर। तो सर ने परमिशन दे दी है अंदर लेने की। ओह इतनी सारी गाड़ियाँ, ओके मेरे आगे थार थी शायद, पता नहीं, देखते हैं अंदर। भाई पूरी गाड़ियाँ भरी पड़ी है, किधर हुई की क्या करना है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम बैक टू माय चैनल एट साइड विद करण। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने कुछ महीने पहले, दो महीने पहले अपनी ब्रांड न्यू महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ली थी, ये देखिए, ठीक है। तो आज मैं आया हूँ अपनी कार की फर्स्ट सर्विस कराने, जो कि मैं आया हूँ सीतापुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। और अभी जस्ट मेरे को एंट्री मिली है और अभी देखते हैं यहाँ कितना क्या प्रोसेस है। पहली बार आया हूँ महिंद्रा की सर्विस कराने, अपनी गाड़ी की सर्विस कराने, तो देखते हैं क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो चलते हैं अंदर, ठीक है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से अंदर रिसेप्शन की तरफ। गाइस अंदर आ चुका हूँ, इस डेस्क पे सर आएंगे कृष्णा जी और उनके पास है बुकिंग मेरी, तो वो देखेंगे। जैसे देखिए हेलो गाइस, तो मैंने अपनी बाइक अपनी कार सर्विस के लिए दे दी है और उन्होंने बोला शाम तक मिलेगी, क्योंकि डेढ़ दो घंटे का जो मेन है काम वो सॉफ्टवेयर अपडेट का है। उसके बाद जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो चेक करेंगे, वॉशिंग होगी, क्लीनिंग होगी, उसमें ही डेढ़ दो घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद ड्राइव वगैरह जो भी होती है काम, उसमें मतलब मोस्टली मेरे को शाम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने अपनी कार दे दी है और अब मैं जा रहा हूँ घर पे वापस। कैब बुक करा दी, कैब आ जाएगी, ठीक है। तो घर जाएंगे, कॉल आ जाएगा इनका, तब वापस आएंगे कार पिक करने। तो मिलते हैं आपसे जब हम कार पिक करने आएंगे, ठीक है। 8 hours later। तो गाइस फाइनली अपने को 6 बज रहे हैं और अपनी गाड़ी मिल चुकी है, जिसका बिल हुआ है आपको दिखा दूंगा मैं, बिल हुआ है 0 rupees। अभी फर्स्ट सर्विस है, फ्री है, तो कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट भी नहीं लगा ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेबल है। तो गाड़ी यहाँ खड़ी है अपनी, बिल्कुल वॉशिंग होके खड़ी है, एकदम क्लीन होके, मतलब अच्छा कर रखा है उन्होंने, ठीक है। देखते हैं, क्लीनिंग वगैरह भी अंदर से सही करी है उन्होंने और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व करने के चक्कर में इतना टाइम लग गया, नहीं तो कब की मिल जाती मेरे को। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, सबसे अच्छा और मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था सबका, बातचीत करने का तरीका। ऐसे गंदी जगह तो गाड़ी खड़ी करके गया है ना, और फिर बोल रहा है गाड़ी सही कैसे रखूँ बताओ क्या यार। चलो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था महिंद्रा की तरफ से, मतलब अच्छे बंदे हैं जिनसे बात हुई है, उनका मतलब कस्टमर को अटेंड करने का तरीका अच्छा था, ठीक है। तो गाइस अपनी गाड़ी आ गई है सर्विस होके, फर्स्ट सर्विस होके। तो एसी की कूलिंग वगैरह भी पहले की तरह है, अच्छी काम कर रही है बिल्कुल। जो स्क्रीन में इशू था कि ये स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो जाती थी, आप गाड़ी चालू कर रहे हो बट ये स्क्रीन शो नहीं होती थी, तो इसका अपडेशन आ चुका था, इनकी तरफ से कॉल आया था मेरे पास, बट मैंने सोचा सर्विस पे ही ठीक करा लूँगा, तो सर्विस पे ही आज हुआ है। अब देखते हैं आगे चला के देखेंगे कि दोबारा इशू तो नहीं आ रहा भाई। बट इसमें बस अभी तक एक प्रॉब्लम है कि इसमें अभी तक एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं आया। एंड्रॉयड ऑटो तो है शुरू से, बट एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं आया इसमें, तो बाकी देखेंगे। और कुछ इशू बग वगैरह था वो सब सॉफ्टवेयर अपडेट में ठीक हो गया होगा, और मेरी गाड़ी में कुछ ऐसा इशू था नहीं, बाकी सब ऑल फर्स्ट क्लास। बस सीट कवर और मैटिंग अब लगवाऊंगा मैं कल, एक तो ये बारिश ने मेरी पूरी गाड़ी गंदी कर रखी है बाहर से, ये मक्खी, ठीक है।
तो गाइस हुआ यूं था कि मैं जब इनकी जो फर्स्ट सर्विस है वो है 1 मंथ या 2000 किलोमीटर्स, बट मेरी गाड़ी देखो 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी सिर्फ 1786 किलोमीटर चली है। मैं इनके पास आया था 1 मंथ कंप्लीट होने से पहले, तो इन्होंने कहा सर आपकी गाड़ी कितनी चली है, मैंने कहा था 600 या 700 किलोमीटर चली थी, और उन्होंने कहा सर अभी तो हम क्या करेंगे सर्विस, आप इसको और चलाओ फिर लेके आना सर्विस पे, और कोई दिक्कत नहीं अगर 1 महीना ऊपर हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मैं फिर उसके बाद खाटू श्याम में चला गया, तो 225 किलोमीटर वहाँ चल गई, फिर थोड़ा बहुत मैंने मेरे भाई को दे दी तो थोड़ा बहुत उसने घुमा ली, तो ऐसे में मेरी गाड़ी अभी 1786 किलोमीटर चली है, अभी भी 1786 किलोमीटर चली है, 2 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है, हेलो गाइस, तो मेरे साथ आशीष भैया हैं जो यहाँ के CR हैं, मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के बारे में कि मेरे को तो देखो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आशीष भैया का व्यवहार भी और कृष्णा भैया का व्यवहार भी, तो दोनों ने मेरी गाड़ी को मतलब पर्सनली हैंडल किया है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है अपनी गाड़ी को लेके, कोई क्वेरी है आपकी गाड़ी को लेके, तो आप सीतापुरा महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड आ सकते हैं। तो बाकी जानते हैं आशीष भैया से ही। आशीष भाई, मैं हूँ यहाँ पे आशीष शर्मा, मैं महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड सीतापुरा से अपने मैं CRM से बात कर रहा हूँ। जो भी गाड़ी में अपनी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं और मेरे को बता भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं सीतापुरा में कस्टमर केयर में बैठता हूँ। ठीक है भैया, मेरा नंबर है 9166284111। ठीक है, तो ऑन कॉल पे भी आपसे सजेशन ले सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। करेंगे ना कभी भी आप कॉल करेंगे तो मैं आपका फोन पिक करूंगा, और जो भी दिक्कत आप बताएं, जो भी मेरे से हेल्प बनेगी मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। थैंक यू भैया, थैंक यू। और कुछ मतलब कि गाड़ी कितने टाइम तक ठीक हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर पार्ट्स मिल जाते हैं या अवेलेबल नहीं होते कुछ? गाड़ी देखो सेम डे कस्टमर को डिलीवरी कर देते हैं हम, जो भी दिक्कत रहती है कस्टमर यहाँ बताता है हमारे को आके कि ये गाड़ी में अपनी में ये दिक्कत है। ठीक है, तो हम कस्टमर की जो भी दिक्कत है हम जॉब कार्ड बनते हैं, यहाँ पे जॉब कार्ड में लिखते हैं, कस्टमर जो सजेशन करते हैं उसका रिजोल्यूशन भी होता है यहाँ पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मान लो कंप्लेंट बताई कस्टमर ने वो कंप्लेंट नहीं हो पाती है, वो सारा रिजोल्यूशन होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, कस्टमर परेशान नहीं होता यहाँ के। चलो ठीक है, थैंक यू भैया, और मतलब मेरे को बहुत पर्सनली आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, आशीष भैया और कृष्णा भैया का भी, मतलब पर्टिकुलर आपने पर्सनली मेरी गाड़ी को हैंडल किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सर्विस पे, अगर कोई रेफरेंस होगा तो मैं जरूर दूंगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज ऐसे ही और कुछ भी इस गाड़ी के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या जानना है इस गाड़ी के बारे में, या और किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक डिटेल में रिव्यू चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, आई होप ऐसा ही प्यार आप सब देते रहो मुझे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।